केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जहां पर एक एक करके सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वहीं पर एक बच्चा जो कि जब 3 साल का था, 3 साल से वो नरेंद्र मोदी के प्रचार में कार्यरत है और दिल्ली ही नहीं गुजरात और अलग अलग राज्यों में होते हुए ये बच्चा अत्री दवे पहुंच चुका है दिल्ली में। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो आप? मैं थर्ड में। थर्ड में? आपको पढ़ना अच्छा लगता है? हाँ। अच्छा, अभी आपने ये सब क्यों रंग दिया? किसका वेश धरा आपने? मैंने मोदी जी का रंग धरा। मोदी जी आपके फेवरेट नेता है? यस। क्यों? वो बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अच्छा, देश के लिए बहुत काम करते हैं। तो आप प्रचार में भाषण भी देते हो? हाँ। अच्छा, जरा इस छोटे से बच्चे से भाषण दिलवाते हैं कि मोदी जी का भाषण कैसा देता है। चलिए जरा एक भाषण दीजिए मोदी जी के अंदाज में। भाइयों और बहनों, मेरे साथ दो हाथ मुट्ठी बनकर के 3 बार नारा लगाओ, भारत माता की जय, वीर भारत की जय, वीर जवानों की जय। भाइयों और बहनों, मुझे कसम इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा। मुझे कसम इस मिट्टी की, ये देश नहीं रुकने दूंगा। मुझे कसम इस मिट्टी की, ये देश नहीं मिटने दूंगा। वाह, तो आप मोदी जी से मिले हो कभी? हाँ। अच्छा, क्या बातें की आपने जब मिले तो? उन्होंने पूछा कि आप, मैंने पूछा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। तो आप पत्र क्यों नहीं लिखते? तो अच्छा। मैंने 3 पेज का पत्र लिखा। अच्छा, 3 पेज का पत्र लिखा। पत्र में क्या कुछ लिखा? मैं आपसे मिलने के लिए आना चाहता हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे वाह, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ओमाथू जी के साथ है। अच्छा, तो आपको ही प्रचार करना अच्छा लगता है? पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब नहीं होती आपकी? नहीं नहीं। अच्छा, अत्री दवे और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी गर्मी में भी ये बच्चा सिर्फ अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि दिल्ली में एक बार फिर आया है मोदी जी के प्रचार में।